फजीता, ओ फजीता। ला 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 ला। हाँ जी फजीता, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दे। बताओ क्या बनाऊं? जो तेरा दिल करे। अरे दिल्ली तो नहीं करता। दिल नहीं करता, घर का काम करने का दिल नहीं करता। अरे तुम ये बावले बावले होते हो क्या? क्यों? अरे किसका दिल करेगा ये काम करने के लिए? पूरे दिन बच्चों की हगी से चेंज करो, कभी इसने टट्टी कर ली, कभी उसने पेशाब कर लिया, फिर रात को सोने जाओ तो बच्चे पूरी रात सोने नहीं देते, हैंग हो जाता दिमाग। फिर सुबह उठ के उनको स्कूल भेजो, उनको स्कूल भेजने के बाद 9 बजे तुम्हें काम पे भेजो, तुम्हें काम पे भेजने के बाद घर का काम करो, खाना बनाओ, जरा सी देर फ्री होंगे तो ये दोनों आतंकवादी आ जाएंगे बच्चे। फिर इनकी ड्रेस उतारो, फिर इनको खाना वाना खिलाओ, फिर शाम को खाने का टाइम, फिर शाम को खाना वाना बना के सास ससुर को खिला के जरा सी देर लेटो तो रात को तुम्हारे पति का आने का टाइम, फिर तुम पतियों की सेवा में लग जाओ, फिर रात को सो तो फिर ये बच्चे नहीं सोने देते, हगना मूतना घर की सफाई पोछा झाड़ू ये वो, किसका दिल करेगा ये बंधुआ मजदूरों वाला काम करने को? तो फिर दिल क्या करता है? दिल क्या करता है? देख भाई तूने दिल के तार छेड़ दिए हम बीवियों के। फिर दिल करता है रोज शॉपिंग करें, नए नए कपड़े पहने, मॉल में जाएं, डिस्को में जाएं, लड़के ताले एक से कंटाप। हाँ दिल की पूछ लिया ना भाई, दिल की बता रही हूँ मैं, दिल की पूछ लिया तो पूछ ले। फिर कार वो जो छत से खुल जाती है उसमें जो निकल गया अंग्रेजी ने चिल्लाती ना, ऐसे करें रोज लड़के ताले, नई नई लड़कों के साथ डेट पे जाएं, रात भर चैट करें, गंदी बात गंदी गंदी वो वाली चेटे करें, मजे करें, फुल इंजॉय करें। दिल तो ये करता है, हमारे दिल की चलती कहाँ है? बाजी तुम्हारी तरह नहीं है, हम मियाँ से अपने बहुत प्यार करते हैं। भैया है अल्लाह मेरी तौबा है, तू मियाँ से प्यार करती है? और डायन तू? बाजी मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। भैया है तौबा है तौबा, अरे तुम तो अपने घर बिगाड़ लोगी अपने मियाँ से प्यार कर करके। भाई डायनो मेरा कलेजा हिल गया, मैं तुम्हारे घर ना टूटने दूंगी, ये जा रहा हूँ। अच्छा माँ बताओ तुम अपने पियाओं को पूरा ध्यान रखती हो? बाजी बहुत। अच्छा कपड़े वपड़े धो रही हो? खाना वाना सब टाइम पे दे रही हो? सब बिल्कुल। अय्या है तुम तलवाओगी अपना घर, भाई तुम तलवाओगी। भाई मेरी बात ध्यान से सुनो डायनो, अपने मियाओं का बिल्कुल ध्यान मत रखो, ना बिल्कुल प्यार करो, उन्हें जो चीज ना पसंद है ना वही बनाओ। तेरे मियाँ को भिंडी पसंद नहीं है ना, नहीं, रोज भिंडी बना के रख। तेरे मियाँ को घिया पसंद नहीं है, रोज घिया बना के रख। कपड़ों पर प्रेस मत कर, उल्टी सीधी प्रेस करके दे। हर बात पे लड़, हर बात में लड़, सुबह शाम रात दिन प्रेस कर उनकी जान की, ठीक है? अपने मियाँ को 10-10 फोन करो और एक ही बात पूछो, 10 बार फोन करो एक ही बार पूछो, जब तक वो भिंडोट ना हो जाए, बावला ना हो जाए, खूब लड़ो। अरे बाब लियो, अगर तुम प्यार करोगी ध्यान रखोगी ना तो ये तो सोचेंगे शादी बहुत अच्छी चीज है, ये तो दूसरी करके बैठ जाएंगे। तुम तलवाओगी अपना घर, तुम तलवाओगी, समझ गई मेरी बात को? मियाओं से प्यार ना करना बिल्कुल। और बाजी तुमने हमारे तो मियाँ के बारे में पूछ लिया, अपने भी तो बताओ। ऐ क्या बताऊ तुझे, मेरी अम्मा ने 2 लाख रुपए और मेरे बाप ने 2 लाख रुपए डाल लिए, मेरी अम्मा ने तो लाठियां डाली, अरे हाय खून के कतरा कतरा जोड़ जोड़ के पैसे जमा करे, 10 लाख रुपए में मेरी शादी हुई। भाई मेरा मियाँ बड़ा कमीन निकला जलील, हाँ हर बात में लड़ता था मुझसे। भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं तो अपने मियाँ को बेचे अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में। हाँ भाई फेफड़ा अलग रेट में बेच रहे हैं, और कलेजा अलग रेट में, पित्ता अलग रेट में, पेटा अलग रेट में, आंख अलग, 6 लाख रुपए बिका टोटल। बाजी तुम्हारा 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। हाँ भाई वहीं से तो मुझे आइडिया आया, भाई मैं तो अब शादी करती हूँ, मियाँ अस्पताल में बेचा तू, शादी करती हूँ मियाँ अस्पताल। भाई मैंने तो प्लॉट खरीद लिया इसमें। हाँ बाजी हमें भी लगा लो अपने बिजनेस में। हाँ तू भी बेचेगी अपना, जाओ अपना मियाँ ले आओ, क्यों कहना तुम्हें चीज दिलाने ले आ रही, चॉकलेट चॉकलेट है। हाँ जाओ जाओ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब, 50,000 रुपए लूंगी मैं अपने कट। भाई डायन सोच काय को रही है, लाखों रुपए का पति बिकवा रही हूँ, जल्दी जल्दी तू भी लिया, और दो बॉयफ्रेंड भी हो ना वो लिया फसा बुजू जल्दी से। और सुन लो डायन, तुम अपने बच्चों का बिल्कुल ध्यान मत रखना, ना खाने का, ना कपड़े का, ना प्रेस का, ये तुम इतना प्यार कर रही हो ना, इन्हें तो लगेगा शादी बहुत अच्छी चीज है, दूसरी करके बैठ जाएंगे, घर बिगड़ जाएगा तुम्हारा। बची तक के बाद बहुत ध्यान से सुना करो, मैं नहीं चाहती किसी का घर टूटे। हाँ लाल 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 लाल, अरे डायनो चुड़ैलो अकेले अकेले चुगलियां शुरू कर दी, जरा हमारी भी शिरकत होने देती, हम भी जरा चुगलियों में कुछ अदब अदाब कर लेते। और डायन तू का भाई? फजीता बाजी कल ही आई हूँ। भैया है कल जब तू आ रही थी वो आदमी पीछे पीछे चल गया था, दोनों बच्चों को गोद में लिया हुआ, सर पे बैग रखा हुआ, झल्ली वाला कवाड़ी वाला, कौन था वो? फजीता बाजी मियाँ है मेरा। भैया है इतना बुरा, कितने का पड़ा? 3.5 लाख का। अरे जा डायन 50,000 रुपए डाल के नया ले लेती। बाजी नया ही तो है, चल ऐसा उदड़ा बासा था। और सुन जब अपने मियाँ को मैके लाया करो ना, मोहल्ले में जरा कोई इज्जत होती है घर वालों की, जरा क्रीम पाउडर लगा दिया करो मुंह पे, बाल बाल अच्छे से तेल वेल लगा के तैयार करके लाया करो। बाजी मियाँ है मेरा, औलाद थोड़ी है। अरे 3.5 लाख रुपए उधड़े हुए पति मिलते हैं ना, जरा क्रीम व्रीम लगा कर लाया करो। बाजी 3.5 लाख रुपए में मैं खुश हूँ। अरे है खुश, 3.5 लाख रुपए 2 जर्मन शेफर्ड दिला दी तुझे। बाजी जर्मन शेफर्ड क्या होते हैं? कुत्ते।
भाई बड़े वफादार होते हैं, एक आवाज तो भागते हैं सामान वामान लेने। ये मियाँ तो सुनते भी नहीं है, दो कुत्ते दिलाती तेरी जिंदगी बन जाती। वापस करिया अपना मियाँ, वापस करिया 3.5 लाख रुपए लिया। तुझे दो जर्मन शेफर्ड दिला दूंगी कुत्ते। हाँ हाँ छोड़ चुका लो, क्या चल लिया? बहुत बढ़िया बाजी। और तेरा मियाँ कितने का पड़ा? बाजी 4.5 का। अयो अये 4.5 लाख, कितने किलो का निकला? बाजी 60 किलो का है। बस भैया है 4.5 लाख रुपए में 60 किलो का मियाँ। अच्छा बात बता चुबल्लो, अगर 5 किलो आलू डाल के बनाए तेरे मियाँ के साथ, कितना भी खाना खा लेंगे? बाजी मेरा मियाँ है, मुर्गा बकरा थोड़ी है। है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर में 10-20 मेहमान एकदम आ गए रात रात में, तो मियाँ है घर में, कर दो काम को। हेलो। हाँ चुगल्लो, लंगड़ा हुआ लंगड़ा? अरे अभी तो आई हूँ अस्पताल से, घर में मैं ना घुसी हूँ, गेट पे खड़ी हूँ। अरे हाँ हाँ रखूंगी, नाम बता दूंगी तुझे, डायन चुड़ैल, चल फोन रख। ओफो आज तो यार बहुत थक गया मैं यार। ओ हेलो, तू किस बात में थक गया? मैं तू किस बात में थक गया? अबे उल्टी मेरे को ही, खट्टा खाने का जी मेरा करा, प्रेग्नेंट में हुई, टांगे मेरी सूजी, डिलीवरी मेरे हुई, दर्द मुझे वो, तू काहे में थक गया बे? अजीता अस्पताल में आदमी थक जाता है। अबे अस्पताल का पहले तूने बनाया था, फिर मुझे एडमिट कराया, तू गारा लेकर आया, ईंटें लेकर आया, सीमेंट लेकर आया, तूने मजदूरी करी, तू काहे को थक गया? अजीता यार अस्पताल में आने जाने में इंसान थक जाता है। आने जाने में तू पैदल गया था, लेट लेट के गया था, सड़क नाप नाप के जा रहा था, तू थक गया? अरे यार दूसरे घर से खाना लाना ले जाने इंसान। आने को क्या हो गया? तू पहले अनाज खेतों में लेके गया था, तूने वहाँ बोए थे, फिर वहाँ बैठा था, ओहो, फिर हल चलाए, फिर बेल चलाई, फिर वो उगा, उन्हें तोड़ कर लाया, फिर बनाया, तू क्यों थक गया? अजीता तुझे पता दवाई की लाइनें कितनी लगी? दवाई को क्या हो गया? दवाइयों में तूने MBBS करी थी पहले, पहले डॉक्टरी करी, फिर दवाइयां बनाई, फिर मुझे खिलाई, तू क्यों थक गया? पर्चे की लाइन में तीसरा नंबर। पर्चा क्या हो गया? पर्चे तू हाथ से बैठ के बना लिया था, पूरे हॉस्पिटल के पर्चे तू बैठ के, तू क्यों थक गया? तू देख देख के थक गया भाई? मेरी बीवी 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, ओहो ये तो घर में खाना बना रही है, ओहो ये तो प्रेग्नेंट होकर झाड़ू भी लगा रही है, अरे ये तो रोटियां भी, तू काहे को थक रहा है मुझे ये बता? अजीता एक जगह बैठे बैठे इंसान थक जाता है। तू बैठे बैठे क्यों थक गया? तू नक्शे बना रहा था वहां बैठ के हिंदुस्तान के, तू कोई करोड़पति खेल लेता वहां, तू क्यों थका? तू थका तू मुझे ये बता, तू थका? हराम खोर, सारा काम हम बीवियां कर रही है, तुम पति सिर्फ हॉस्पिटल। अजीता चार्जर कहाँ है फोन का? आए हाय सुबह होते ही चिल्लाना चालू कर, ये रहा चार्जर, चिल्लाते रहते हो। अच्छा मुझे यार एक बात बताओ, कोई दो रीजन ऐसे बताओ जो हम बीवियाँ तुम पतियों की इज्जत करें, बताओ। भाई इज्जत यही है कि हम तुम्हारे पति हैं। एक हो गया, दूसरा? दूसरा ये है कि ओ हेलो, दूसरा रीजन? दूसरा ये है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं। हजारों लड़कियां जा रही हैं सुबह काम पे, रात को आ रही हैं मेट्रो में धक्के खा के, ऑटो में, बस में, पैदल। दूसरा रीजन? दूसरा यही है कि हम ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना दिन ना रात, इतनी मेहनत करते हैं हम। पता नहीं कितनी औरतें कर रही हैं, कितनी, सर पे तसला रख रखा है, सीमेंट डाल रही है, पीछे बच्चा बांध रखा है, मजदूरी कर रही है। तुम पति बताओ कोई स्पेशल काम जो तुम्हारी इज्जत हो? यही है कि हम इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं, हम काम पे जाते इतनी खूतली रगड़ दूंगी। हैं पढ़े लिखे, 11th में टॉप लड़कियां, 12th में टॉप लड़कियां, IAS में टॉप लड़कियां, IPS में टॉप लड़कियां, मजिस्ट्रेट में टॉप लड़कियां, मंत्रालय में टॉप लड़कियां, कोई दूसरा रीजन बता इससे इज्जत करूं? सोच ले सोच ले, पूरी जिंदगी भी सोच ले, पूरे हिंदुस्तान की बीवियों की तरफ से सवाल कर रही है भजीता, सोच ले आराम से, तुम भी सोच लो भाई, सारे पति मिलकर, कोई दूसरा रीजन बताओ जो हम बीवियां तुम पतियों की इज्जत करें, आराम से सोच ले, सोच ले भाई, तू भी सोच ले आराम से। अरे यार कुछ तो होगा यार, अबे पतियों की इज्जत का सवाल है, हराम खोरो, कोई तो बताओ दूसरा। चुगल्लो अब सच सच बता ईमानदारी से, तुझे तेरा मियाँ कैसा लगता है? अरे बाजी ये कनखड़ा भी कोई पसंद करने वाली चीज है? मियाँ है कौन कनखड़ा? मेरा मियाँ है कनखड़ा है वो। अरे बाजी यूँ कुत्ते की तरह यूँ कान खड़े रहते हैं कनखड़े के। अयो है इतने बड़े बड़े कान? और ये तो दीवार के पीछे की भी सुन लेता होगा बात है। और बाजी सही है, चुगलखोर है बहुत बड़ा वाला, तेरी तो किस्मत ही फूट गई। और डायन तेरा पति कैसा लगता है तुझे? बाजी मेरा पति तो बहुत अच्छा है। और ढड्डो व्हाट्सएप स्टेटस वाली बातें मत कर, मेरा पति मेरा देवता है, फलाना है, दिमाग, दिल की बता अपनी दिल की। बाजी तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो नक्सला ही पल्ले पड़ा बिल्कुल। या है नक्सला? हाँ नक्सला, पूरे दिन घर में सुरसुर करता रहता है। आया है। और बाजी तुम अपनी बताओ। अरे छोड़ना। अरे बाजी तुमने हमारी दिल की तो निकलवा ली, अपनी बता नहीं रही। अरे चुगल्लो मत पूछ, मत पूछ, तेरी कसम मत पूछ, मेरे पल्ले तो पतोड़ा पड़ा पतोड़ा। अरे पूरे दिन घर में धूं धां कू पां करता फिरेगा। अरे तुझे क्या बताऊं, कल रात एकदम धूम देने से आवाज आई। अरे मैं तो बच्चे लेके बाहर आ गई गली में, अरे मेरे जलजल आगे दिखे हास रहा, तो जलजल यहाँ मैंने पाद मारा। अरे मैंने कहा कुत्ते यूं करा, मेरे गैस बनती है पेट में। अरे ऐसी कौन सी गैस है जो 3 साल से खत्म नहीं हो रही, धूं धां कू पां करता रहेगा और यूं और कहेगा
मेरे पास में से बदबू नहीं आती। हाँ मैंने कुत्ता तू जाफरान खा के पाल रहा है ना, तेरे पास में से बदबू नहीं आई। मैंने सुन लो, किसी दिन तुम फटफटा गए ना और ये घर में खून की छींटे छींटे हो गई, मैं साफ नहीं करूंगी बस। ये जितनी भी वीडियो देख रही है ना, पूछ ले इनसे, तू तो डेर खेल ले, एक को भी अपना पति पसंद नहीं होगा, सच बता रही हूँ तुझे। खैर हमें कर लेना छोड़ बता।